हाय व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अनदर फ्रेश न्यू वीडियो पबजी क्रिएटर्स। और आज के इस वीडियो में हम लिटिल ज़ेलमी की तरह का पबजी गेमिंग लोगो क्रिएट करना सीखेंगे। तो रुको जरा, सबर करो। ओ भाई मारो मुझे, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक यार। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई को फुल सपोर्ट करो। और अगर आपने और भी वीडियोस देखनी है तो और लोगों की वीडियोस भी मैंने बनाई, उन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी गाइज, फर्स्ट स्टेप पे हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। प्लस वाले टूल के अंदर जाएंगे और हमने ये वाले एक बैकग्राउंड, ये वाली जो शील्ड है ये हमने ऐड करनी है। ये स्पेशली तौर पे मैंने आपके लिए बना के रखी है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हम ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे। ऐड फोटो वाले टूल पे जाके हमने अपनी ये फोटो ऐड करनी है। ये फोटो आपने बनानी किस तरह से, ये तो आपको सामने स्क्रीन पे थंबनेल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। मैं आपको कार्टून किस तरह से बनाना, सिर्फ एक मिनट के अंदर ये वाली वीडियो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आपने इसको क्या काम करना है, फोटो को ऐड किया और इसको साइड एरिया से आपने रेज करके शील्ड के सेंटर में फिट कर देना है। उधर से आपने इसको डन कर दिया। इसके बाद हम टेक्स्ट वाले टूल पे जाएंगे। टेक्स्ट पे जाके मैं इधर अपना नाम लिखता हूँ, आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिखें, अपना लिखें जो आपकी, तो आप अपना जो नाम लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद ये मैंने लिखा है। अपना नाम लिखने के बाद मैं गया हूँ माई फोन के ऑप्शन पे, माई फोन पे जाके मैंने ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया। अब आपने ये वाला फ़ॉन्ट किस तरह से ऐड करना है, कोई और भी फ़ॉन्ट आप रख सकते हो, ठीक है ना। इसके लिए भी मैंने अलहदा से एक वीडियो बनाई, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपने इस तरह से जाके इसको बैंड करना है, ठीक है ना। बैंड पे 48 रखेंगे आप इसको तो ऑटोमेटिकली ये बैंड हो जाएगा थोड़ा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने क्या काम करना है, दूसरा पहला वर्ड फिर दूसरा वर्ड हमने एक लिखना है, ठीक है ना। ये मैंने लिखा है। इसके बाद हमने वही काम करेंगे, माई फोन्स पे जाएंगे, जाके हमने ये वाला जो मेट्रोपोलिस बोल्ड वाला जो फॉन्ट है ये हमने ऐड कर लेना है, ठीक है ना। तो ये फॉन्ट किस तरह से ऐड करने हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप वो वाली वीडियो देखें। आप कोई भी फॉन्ट पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हमने हाइलाइट्स पे गए, वही वाला काम किया कि ब्लैक इसकी हाइलाइट्स रख दी हैं, तो हाइलाइट्स इसकी ब्लैक हैं, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे ताकि ये कॉर्नर जो नीचे शील्ड का है वो रहे, बाकी हम एरिया कवर कर लें। इसके बाद अच्छे तरीके से आपने बिल्कुल इसी तरह से ये स्टेप फॉलो करके इसी तरह से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। तो इधर से हम इसको डन कर देते हैं, ये हमारा काम इधर तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम दोबारा से ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे और हम ये वाली फ़ोटो एक ऐड करेंगे, ठीक है ना। ये टेक्सचर वाली टेक्सचर दूसरी तरह ऐड कर दें, लेकिन बैंड पे जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसको सेट करते हैं पहले, ठीक है। इसको हम इस तरह कॉर्नर पर इस तरह से सेट कर देते हैं। आपने भी इसको इस तरह से सेट करना है बिल्कुल। सेट करने के बाद हम साइड जो अरेज वाला ऑप्शन है उससे जाके हमने इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश करनी है, बिल्कुल जिस तरह से लिटिल ज़ेलमी के ऊपर टेक्स्ट में टेक्सचर है, इसी तरह का हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो आपने इस तरह से इसके जो कॉर्नर हैं इसको अरेज करते जाना है आपने, ठीक है ना। ये हमारा काम जो है इधर से ये टेक्स्ट वाला काम है, तो उसके ऊपर टेक्स्चर ऐड करने वाला काम इधर से हमने डन कर दिया है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपने जो नेक्स्ट काम करना है वो क्या काम करना है, दोबारा से हम इफेक्ट्स वाले टूल पे जाएंगे। इफेक्ट्स पे जाके हमने इधर से एक इफेक्ट ऐड करना है, ठीक है ना। उसके बाद मैजिक पे जाएंगे, मैजिक भी जो थर्ड नंबर वाला आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये जो थर्ड वाला आपने ये वाला ऑप्शन ऐड करना है, ठीक है ना। इस पर आपने टैप करना है, ये वाला फ़िल्टर हमने ऐड करना है, ठीक है। तो आपने क्या काम करना है, इस पर हम टैप करते हैं। टैप करने के बाद आपने जो अपना नेट है वो आपने उस वक्त ऑन रखना होता है, ठीक है। और इसके बाद थ्री डॉट पे जाके हमने इसके फेड को ऊपर नीचे करके चेक करेंगे, इसके फेड को हम कम रखेंगे। ऊपर ब्रश पे जाएंगे, ठीक है ना, इसको हम रेज कर देते हैं। हार्डनेस को कम रखेंगे, इसकी ओपिसिटी को भी कम रखेंगे और साइज़ को भी, साइज़ को थोड़ा बढ़ा के। तो हमने सिर्फ जो मॉडल है जो हमने अपनी फ़ोटो ऐड की है उसके जो बाल हैं हमने सिर्फ उस पर इस तरह से आपने टैप कर देना है, ठीक है। उस पर हमने टैप कर दिए। टैप करने के बाद आपने इसको इतना ज़्यादा नहीं रखना है, बिल्कुल थोड़ा बहुत रख के अच्छे तरीके से आपने इसको एडजस्ट कर देना है। इधर से हमने इसको डन कर दिया। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम होगा वो होगा ड्रा टूल के अंदर। ड्रा टूल के अंदर हम जाएंगे, उधर हम एक कलर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, रेड कलर। और हमने क्या काम करना है, पहले ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं हम।
ये वाला कलर हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने इस पर टैप करने और जो हमारा रेज़र है हमने उसकी हार्डनेस को कम रखनी है, ओपिसिटी को 96 रखना है और साइज़ को हमने 90 या 60 रख देना है, ठीक है। और हमने इसको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से ड्रा करते जाना है और हमने आधा ड्रा करना है, ठीक है ना, सिर्फ आधी फ़ोटो पर ड्रा करना है। दोबारा से हम कलर पर जाएँगे और हमने रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है। रेड कलर हमने सेलेक्ट कर लिया। रेड कलर सेलेक्ट करने के बाद हमने उसी तरह का जो साइज़ है ब्रश का वही रहने देना और हमने इस साइड से इसको सेट कर देना, ठीक है ना। मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से करना है। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो किसी जगह से कोई ऊपर नीचे हो गया तो आप उसको रेस से सेट कर सकते हो। इधर से हमारा काम ये वाला ड्रा वाला भी डन हो चुका है। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट काम करना है वो क्या काम करना है, इसको हमने सेव कर लेना है। इस फोटो को हमने सेव कर दिया लहदा से, हम इसी फ़ोटो पे एक और काम करेंगे, अफेक्ट्स पे जाएंगे, ठीक है ना। आपने पहले सेव कर लेना है, इसके बाद हम अफेक्ट्स पे जाएंगे। अफेक्ट्स पे जाके ब्लर पे जाएंगे। ब्लर पे जाके हम जो थर्ड नंबर वाला ब्लर है वो ब्लर हम ऐड करेंगे, ठीक है ना, जो राउंड में है। तो उस ब्लर को हमने ऐड करना है। उस ब्लर को हमने थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, उसके ब्लर को तकरीबन आपने 40 रख दें या 43 रख दें। इसको हमने इधर से डन कर दिया, इसको भी हम इधर से सेव कर लेते हैं। इसके बाद इस इमेज को भी सेव कर लिया, पहले वाली जो ओरिजिनल इमेज थी हमने उसको भी सेव कर ली। इसके बाद हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हमने एक बैकग्राउंड कोई सा भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे और जो हमने फ़ोटो को ब्लर किया था हमने उस फोटो को हमने ऐड कर लेना है। इस फोटो को हमने ऐड कर लिया, इसको हमने फुल साइज़ में रखना है। फुल साइज़ में मतलब है कि पूरे फ़ोटो के अंदर ये वाला जो फ़ोटो है ये हमारी आ जाए, ठीक है ना, पूरे बैकग्राउंड के ऊपर। इधर से हमने इसको डन कर दिया। उसके बाद हमने ऐड फोटो वाले टूल पे गए और जो हमने पहले फ़ोटो जो ओरिजिनल लोगो था हमारा हमने वो सेव किया था, इसको स्कोप इसके ऊपर हमने ऐड कर देना है, ठीक है ना। हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया। इसके बाद हमने लेंस वाले लेंस फ्लेयर जो है हम उस पर जाएंगे। लेंस वाले टूल के अंदर एक लेंस हम ऐड करेंगे टेक्स्ट के ऊपर। आपने ध्यान रख के अच्छे तरीके से इसको टेक्स्ट के ऊपर ऐड करना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं ऐड करना है, बिल्कुल अजीब सा लगता है, ठीक है। उसके बाद एक और रेड लेंस रख दें आप ऊपर जो कॉर्नर पे है उसको ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम दोबारा से गए ऐड फोटो वाले टूल के अंदर, ठीक है ना, और हमने ये वाली दो PNG हमने ऐड करनी है। और ये वाली जो स्पार्क वाली फाइट स्पार्क वाली जो PNG आपने इस पे जाके इसको बैंड और स्क्रीन करना है। स्क्रीन करने के बाद आपने उसको उस कॉर्नर पे एडजस्ट करना है, उसकी ओपिसिटी को कम कर देना है और जो मुंह पे अगर कोई PNGs के स्पार्क आए हुए हैं तो आपने उसको रेज कर लेना। उसके बाद दूसरी फ़ोटो को सेलेक्ट करते हैं, इसका डुप्लीकेट क्रिएट करते हैं। क्रिएट करके बैंड वाले टूल पर जाएंगे। बैंड वाले टूल पर जाके हमने इसको स्क्रीन कर देना। स्क्रीन करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद एक साइड पर बड़ा करना है, सिर्फ जो रेड वाली साइड है हमने उस साइड पर रखना है, ठीक है ना। उस साइड पे हमने इसको रख दिया। हमने दूसरी फ़ोटो सेलेक्ट की। उसके बाद कलर्स पे जाएंगे और इसको नेगेटिव कर देना है, जो दूसरी साथ वाली जिसका हमने डुप्लीकेट क्रिएट किया उस पे जाके हमने बैंड पे जाना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, इस कॉर्नर पे रखना है सिर्फ एक साइड पे। उसके बाद हमने क्या कहा, हमने इसकी ओपिसिटी को हमने कम कर देना है। ओपिसिटी को हमने कम कर दी और दूसरे वाले को भी हमने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। एक साइड पे रेड, एक साइड दूसरा कलर हमने सेलेक्ट किया। इधर से डन कर देना है। उसके बाद दोबारा से हम ड्रा वाले टूल पे जाएंगे और हमने कलर एक सेलेक्ट करना है, वही वाला कलर हम पहले सेलेक्ट करते हैं, रेड वाला। रेड वाला कलर सेलेक्ट करके इसकी हार्डनेस ओपिसिटी को साइज को कम करके सिर्फ जो हमारे जो कान है उनके ऊपर हमने आहिस्ता आहिस्ता से जो कार्टून बनाया था हमने फोटो का उस पर आपने सिर्फ अरेज कर देना है। उसके बाद दूसरा कलर हमने सेलेक्ट करना है। दूसरा कलर सेलेक्ट करने के बाद भी आपने बिल्कुल इसी तरह से ड्रा करते जाना है, ठीक है ना। ये काम हमारा भी इधर से डन हो चुका है, ठीक है ना। हम लोगो बना रहे हैं बिल्कुल लिटिल जैलमी की तरह का। उसके बाद हम लेंस पे जाएंगे और हमने ये वाला लेंस हमने ऐड कर देना है इस साइड पे, ठीक है ना। लेंस भी ऐड हो चुका है, ठीक है ना। आपने यही वाला लेंस आपके पास आएंगे, आपने अपना जो नेट कनेक्शन है डेटा आपने अपना ऑन रखना है, ठीक है। इधर से हमने इसको डन कर देना है। डन करने के बाद हमने जो दोबारा से हम जाएंगे ऐड फोटो वाले टूल पे, उससे पहले हम एक और काम कर लेते हैं। क्रॉप पे जाते हैं, क्रॉप पे जाके उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, कंट्रास्ट को बढ़ा देते हैं, क्लैरिटी को भी हमने 20-23 या 70 रख देते हैं, सेचुरेशन को हम -2 रख देते हैं और हाइलाइट्स को भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। टेम्परेचर को आपने हल्का सा बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है जी है। तो मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ और शेडो को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो आपने इधर से इसको एडजस्टमेंट कर देनी है ताकि लोगो थोड़ा बेहतरीन सा लगे। उसके बाद हम दोबारा से इफेक्ट्स पे जाएंगे। इफेक्ट्स पे जाके हमने जो नेक्स्ट काम करना है वो इसके ऊपर शार्पनिंग वाला एक इफेक्ट हमने ऐड करना है, ठीक है ना।
शार्पनिंग वाला इफेक्ट आपको एफएक्स में मिलेगा लास्ट पे, जिनके पास पुराना वरियन है, जो इनके पास न्यू वरियन उनको सिंपल में मिलेगा। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट काम करना है वो दोबारा से हम जाएंगे किस पे, ऐड फोटो वाले टूल के अंदर। लोगों हमारा तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हमने एक और काम करते हैं, ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे और हमने वही वाली पीएनजी दोबारा से हमने ऐड कर लेनी है, ठीक है ना। ये वाली पीएनजी आपने दोबारा से ऐड करनी है, बैंड वाले टूल पे जाना है, उसको स्क्रीन करना है, उसको इस तरह से ऊपर सर पर रख देना है, ठीक है ना। और इसकी ओपेसिटी को आपने हल्का सा कम करना है, ये इतने ही रहने दें फिर भी ठीक है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा कम कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो बिल्कुल जी, आज का हमारा लोगो कंप्लीट हो चुका है, लिटिल ज़ेलमी की तरह का लोगो हमने आज बनाना सीखा है। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को यहीं पर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।